वेलकम टू आडा ट्वेंटी फोर सेवन तो भाई जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने सीयूटी के लिए भी एक आपका नोटिस जारी कर दिया है एज वेल एज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी नोटिस आ चुका है तो अभी जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ये है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो क्या किया जाए कि दोनों के अंदर ही हम बहुत अच्छा स्कोर कर ले दोनों के अंदर ही शानदार स्कोर हमारा हो और हम टॉप पे आ जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो फिलहाल के टाइम पे यही है बट इसका भी आपका क्या है सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है सोनिया चहल के पास और वो है आपकी बायोलॉजी मेंटर यानी कि मैं अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि आपका सिलेबस है क्या क्या सीयूटी के अंदर हमारी ट्वेल्थ क्लास की पांचों यूनिट आती है ठीक है पांचों के हमारे ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में और पूरा पूरा ट्वेल्थ सिलेबस हमारा आएगा सीवीटी में बट अगर मैं बात करती हूँ बोर्ड एग्जाम की तो बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारी ये यूनिट्स डिवाइडेड होती है जैसे कि हमारी पहली दो यूनिट जो है ये दो यूनिट हमारे टर्म वन के अंदर आती है और ये दो यूनिट हमको बोर्ड में नहीं करनी है बट होपफुली यानी मैं पॉजिटिवली हमारे पास तीन यूनिट ऐसी है जो हमको सीवीटी में भी पढ़नी है और हमारी बोर्ड एग्जाम में भी पढ़नी है यानी कि ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो समस्या किसकी है टर्म वन की है तो हमको करना क्या है ना बहुत सिंपल सा फंडा है।, है ना फंडा कुछ इस तरीके का है कि हमको ना हमारी जो यूनिट्स है दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं एक हमारी टर्म वन कर लेते हैं टर्म वन यूनिट कर लेते हैं एक तरफ़ हम टर्म टू सिलेबस कर लेते हैं टर्म टू सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसको हमको ज़्यादा मैं कहूँगी टाइम इसके लिए आपको देना चाहिए ठीक है अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे टर्म टू के लिए हमको यहाँ पे इसके लिए बहुत शानदार से नोट्स शुरू से ही बनाने शुरू करे करने पड़ेंगे क्योंकि हमको वहाँ पे पेपर में ना बोर्ड में वो सब्जेक्टिव लिखना है यहां पे आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना ऑब्जेक्टिव चाहिए हमको यहां पे पर यहां पे आपको सब्जेक्टिव लिखना है तो आपको यूनिट सेकंड के अंदर बहुत खास खास ध्यान रखना है कि आप यहां पे जो भी नोट्स बनाओगे आप पढ़ोगे पढ़ के लिख के देखोगे और अभी से प्रैक्टिस कर दोगे भी किस तरीके से हमको बोर्ड एग्जाम के अंदर अटैम्प करना पड़ेगा क्वेश्चन और वो करने के बाद आप सब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही करेंगे साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आपको करनी है यहाँ पे और डेली वन आर टर्म वन का जो आपका सिलेबस है ठीक है उसको क्या करना है डेली वन आर देना है और इसकी साथ साथ हमको एम सी क्यू प्रैक्टिस भी करनी है ऐसा नहीं है बस पढ़ लिया और हो गया नहीं बेटा आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपका पड़ोसी जो है जब बारहवीं क्लास में आया था तभी से सी वी टी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसका पूरा सिलेबस बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर हो गया और हम ठहरे हमारा तो अभी टर्म टू का भी नहीं हुआ सी वी टी तो बहुत दूर की बात है पर अभी भी हमारे पास चांस है कि हम क्या करें बोर्ड को और सीबीटी को एक साथ लेके चल सकते हैं बोर्ड का जो सिलेबस है उसको हम इतने शानदार तरीके से तैयार करेंगे क्योंकि एक फायदा हमारे पास है कि हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से हमको 40 अटैम्प करने हैं तो अगर हम यहाँ पे बोर्ड वाले पोर्शन के ऊपर भी अगर ज्यादा फोकस कर लेते हैं इसको इस तरीके से अभी प्रिपेयर कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव तो छोड़ो ऑब्जेक्टिव में भी कुछ पूछ लिया ना हम उसको और बहुत ईजिली आंसर कर देंगे हम उसके अंदर से आंसर को जाने नहीं देंगे ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसके जिसका हमको आंसर नहीं मालूम होगा जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं होगा यह वाला जब अप्रोच आप, आप लेके चलोगे तो यहां पे हो सकता है कि अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन अच्छे नहीं हो या फिर आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो ये उस प्रॉब्लम को ओवरकम करा देगा तो इसीलिए आपका जो टर्म टू का सिलेबस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस क्योंकि सिर्फ ओवरकम करने से काम नहीं चलेगा सिर्फ यहाँ से तो थर्टी मार्क्स हम कर लेंगे ओवरकम चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेली एक घंटा देना ही देना है भाई इसके लिए देखो एक घंटा कोई बड़ी बात नहीं है अभी फिलहाल के लिए अगर अभी से आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो 120 डेज में देख रहा कितना सारा हो जाएगा अभी देखो 120 डेज में हमको चैप्टर करने हैं छः 1 टू 6 चैप्टर्स जो हमारे हैं एक से लेके छः चैप्टर एक से लेके छह चैप्टर है जो कि टर्म वन के अंदर आता है उन छह चैप्टर्स के लिए 120 दिन देखो जरा कितना हो जाता है यानी एक चैप्टर के लिए हमारे पास 20 डेज है और इस 20 डेज के अंदर हमको एक चैप्टर कुछ इस तरीके से करना है कि एमसीक्यू तो छोड़ो कुछ भी किसी तरीके का ज्ञान हमसे अगर मांगा जाए तो वो हमारे पास होगा ठीक है और ये बहुत ही शानदार चीज है फिलहाल के लिए और उन्हीं दिन, दिनों के अंदर क्योंकि हमारे पास बोर्ड के लिए साठ दिन है ठीक है 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 बोर्ड के लिए लिए कितने दिन है? दिन है, उसके डेज नहीं है। तो हमको यहाँ पे मेन जो टारगेट करना है यहाँ पे इस टर्म टू को भी टारगेट करना है और यहाँ पे हमको कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करना है ठीक है यहाँ के कंपेरिटिवली अगर मैं बात करती हूँ तो साठ दिनों के अंदर आपका ये चैप्टर भी आराम से हो जाएगा अगर आप बात करो यहाँ पे तो हमारे पास कितने चैप्टर एक दो तीन चार पांच छह चैप्टर हमारे पास यहाँ है अब हमारे पास यहाँ पे एक चैप्टर के लिए दस दिन है और हम एक चैप्टर को दस दिन के अंदर सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आपको एक ऐसी अप्रोच लेके चलनी है कि हम टर्म टू का पहले कवर कर लेंगे मैं तो आपको यही कहूंगी कि टर्म टू

ये ऑटोमेटिक हो जाएगा पर ऐसा नहीं करना कि बस लिखने वाला पोर्शन का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कंसेप्ट समझने की ट्राई करना क्रैमिंग मत करना रटना मत वहां पे कंसेप्ट समझने की ट्राई करना जब आप कंसेप्ट समझते हो उस कंसेप्ट समझ के जब आप बोर्ड के अंदर आंसर करोगे ना तो एग्जामिनर खुश खुश और हमारा सीयूटी के लिए

मिलूंगी एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन के साथ एक अच्छे से अप्रोच के साथ और अगर कोई बच्चा ऐसा है, जो ये चाहता है कि हमको पेड बैच में एनरोल करना है तो प्यारे बच्चों हमारे पास पेड बैच भी हमारा है सीयूटी के लिए जो है निपुण बैच और आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है आपका काबिल बैच और यहां पे एक कोड यूज कर सकते हैं आप दैट इज वाई 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 697s जो कि आपका यहाँ पे कोड गिवन भी है इस कोड का आप यूज कर सकते यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं सो यूज कोड वाई सिक्स नाइन सेवन एस और थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अभी के लिए गुड बाय हैव नाइस डे बाय